हेलो, हाउ आर यू सर? डॉट कॉम वो सर अभी मीटिंग में बिजी है, मोइस बिल्डर्स की मीटिंग चल रही है, आप यहाँ पे वेट करें। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं उनसे मिलने के लिए। सर समझा, तुम यहाँ बैठो बैठो। सर आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सर सर ये क्या बदतमीजी है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बाहर मेरा इंतजार करो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। तो डैड, मैं आपसे बात किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और मैंने तुमसे कहा है सुदेश, इस वक्त मैं बिजी हूँ, इसलिए मेरा इंतजार बाहर करें। आप मुझे आंख नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूँ सुदेश। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने तुम्हें सिर्फ आंख ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। नाउ प्लीज वेट आउटसाइड। कैसे निकाल दिया? ये सब कुछ जो आपके पास है ना, मेरे दादा का दिया हुआ है, इस पे मेरा भी हक है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूं? गार्ड्स, गार्ड्स, सिक्योरिटी, डैड, इंसाफ पे ले जाए, बाहर का रास्ता दिखाए, फौरन ले जाए। डैड आप ये सही नहीं कर रहे। सॉरी जेंटलमैन, प्लीज लेट्स कंटिन्यू। सबको डैड, ये क्या? छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? हुक्म क्या हो? तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं? ये सब चीखना चिल्लाना क्या है? ये मछली का बाजार नहीं है, मेरा दफ्तर है सुदेश। क्या भूल रहे हैं कि ये आपका बेटा है? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने यहां आने की जरूरत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दफ्तर में आओ। आइंदा ये लड़की यहां नजर आए ना, तो तुम दोनों की नौकरी जाएगी। डैड आप मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते। बीवी? समझ में नहीं आता ऐसी लड़कियां कहां से आ जाती हैं जो अमीर लड़कों का पीछा करती हैं। अब ले जाओ इसे, बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं करें ऐसा। छोड़ो मुझे, हम खुद चले जाएंगे। छोड़ो। हाँ हाँ जाओ। तमाशा खत्म हो गया, आप लोग क्या देख रहे हैं? चले काम पर लगे। सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा तुम रो क्यों रही हो? आपके अब्बू ने जो आज मेरी बेइज्जती की है, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि इतने सारे लोग खड़े हुए थे, सबके सामने कैसे सब देख रहे थे हमें। गलती भी तो हमारी है, ऑफिस नहीं जाना चाहिए था हमें। क्यों नहीं जाना चाहिए था? ना मैं एहतजाज तो करना था। आपके अब्बू बहुत ही सख्त दिल आदमी है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे जब तक मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता। मुझे छोड़ दे? नहीं, नेवर यार, आई लव यू। और अब तो तुम मेरी जिद हो। मैं जिद हूँ आपकी, है ना? मतलब आप अपने घर वालों को दिखाना चाहते हैं, बस यही है ना? मैंने ऐसा कब कहा? अभी यार एक बात को पकड़ के नहीं बैठा करो प्लीज यार, वैसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हूँ।